हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, जिसमें कोई कुकिंग नहीं करनी है हमें और बच्चे भी बना सकते हैं इस आइसक्रीम को। खाएंगे तो ऑफकोर्स बच्चे ही चॉकलेट आइसक्रीम बड़े शौक से, पर बहुत ईजी आइसक्रीम है, बच्चे भी बना सकते हैं। हम ये आइसक्रीम बिस्किट के साथ बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनती है हमारी आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, बिस्किट से हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें लेना है ये हाइड एंड सीक बिस्किट, ये देख सकते हैं आप। तो ये दो पैकेट हमें बिस्किट लेना है, एक पैकेट में करीब करीब 18 बिस्किट रहते हैं। तो ये हमने एक पैकेट बिस्किट डाल दिया और ये एक और पैकेट बिस्किट। इस तरह से हम बिस्किट ले लेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसे तोड़ लें तो और अच्छा रहेगा। और बिस्किट के साथ साथ हमें डालनी है इसमें 1/4 कप शुगर। और हम अब हमारे मिक्सी को चला के इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हमारा बिस्किट पूरा पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध, चिल्ड मिल्क है ये, तो इसका ठंडा दूध लेना है हमें। साथ ही इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1/2 कप हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई। जो हमारे घरों में दूध आता है उस पर जो मलाई जम जाती है ऊपर, बस वही हमें डालनी है। और आप चाहें तो मलाई की जगह क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप वनीला एसेंस की जगह चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे हमें चर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ये करीब करीब पिस चुका है हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का मटेरियल। और आप चाहें तो हाइड एंड सीक बिस्किट की जगह कोई और चॉकलेट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ बिस्किट के बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप ऐसे में चॉकलेट बिस्किट के साथ कोई पार्ले जी बिस्किट टाइप, इस तरह के बिस्किट, मीठे बिस्किट डालकर भी आइसक्रीम सेट कर सकते हैं। एक बार और चला लेंगे, इसमें हल्का सा कहीं कहीं बिस्किट का क्रंच है। ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। इसे हम किसी लो हाइट बॉक्स में आइसक्रीम जमाएंगे। आप ध्यान रखें इसका ज़्यादा हाइटेड बॉक्स ना हो, क्योंकि उसमें आइसक्रीम अच्छी नहीं जमती। तो ये हम पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको सील पैक करना है हमें बॉक्स को। अगर आपका लिड अच्छे से एयर टाइट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें फॉइल पेपर या पॉलीथिन ऐसा कुछ लगा दें जिससे एयर टाइट हो जाए वो। और इसे आपको 2 या 3 घंटे के लिए जमाना है फ्रीज़र में और फिर निकाल कर एक बार इसे फिर से मिक्सर में चर्न कर लें और फिर से जमने के लिए फ्रीज़र में रख दें करीब करीब 6 से 8 घंटे के लिए। बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है। अगर बच्चों ने ये वीडियो देख लिया और ये आइसक्रीम सीख ली तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े आराम से बना सकते हैं इस आइसक्रीम को। तो ये हमने पूरा खाली कर दिया है इसको, इस तरह से हम लिड से कवर कर देंगे इसे। मेरा एयरटाइट कंटेनर है तो मुझे फॉइल वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम हमारी जमने के लिए रेडी है। अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और 2-3 घंटे के बाद फिर से इसको हमें मिक्सर में चर्न करना होगा। फ्रेंड्स, आइसक्रीम की और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे डली है, आप देखिए, बनाइए, बहुत टेस्टी आइसक्रीम है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जम के रेडी है। हम इसे चाहें तो जो 2-3 घंटे बाद हमें इसको वापस से चर्न करना था ना करें तो भी चल जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट है, इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं होते। आइए हम इसे सर्व करते हैं।
ये हमने आइसक्रीम अपनी सर्व कर दी है। इसी के साथ हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, थोड़ी सी चोको चिप्स, और चूंकि हमने इसको बिस्किट से बनाया है तो हम एक बिस्किट भी लगा सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमारी बिस्किट से बनी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है सर्व करने के लिए। आप खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी आइसक्रीम है।